आज कराएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। इससे पहले कराया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, तो समझने की कोशिश करना। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। बहुत आसान है, तो समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे पहचान। देखो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि हम कैसे पहचानेंगे कि टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, सबसे पहला पॉइंट है। तो देखो इसमें समझने की कोशिश करो कि रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, पास्ट में क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, बस ये तीन शब्द याद रखो, रहा था, रही थी, रहे थे, बस यही पहचान है। और ये मिलेंगे कहां, टेंस के लास्ट में, क्या टेंस के लास्ट में मिलेंगे तुम्हें, बस। देखो कैसे समझोगे, रमेश खेल रहा था, कि रमेश खेल रहा था, लास्ट में क्या आ गया, रहा था, ठीक। तो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया। देखो तुम कूद रहे थे, कूद रहे थे, लास्ट में क्या आ गया, रहे थे, रहे थे आ गया, ठीक। इससे ये क्लियर हो गया कि टेंस ये किसके हैं, दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूअस के, ठीक। अब इन्हें हम बनाएंगे कैसे, तो इधर देखो थोड़ा सिंपल, सिंगुलर, सिंगुलर ही सी इट और आई, इसमें आई नहीं होता, पर आई के साथ बॉज लगता है, क्या, पर आई के साथ भी बॉज लगता है, यहां पे लिख लो ही सी इट या आई या किसी का नाम, ठीक। ये इतना रखो, इनके साथ लगेगा बॉज, ठीक। और पर ये जो आई है ना, ये सिंगुलर नहीं है, ध्यान रखना, ये जो आई है ये सिंगुलर नहीं है, पर आई के साथ लगता बॉज ही है, ठीक। तो ये ध्यान रखना। अब इधर लिख लो प्लूरल, जैसे कि वी दे यू, इनके साथ लगती है बर, ठीक। इतना ध्यान रखना, इनके ही सी इट आई या किसी का नाम आ जाए तो लगेगा बॉस, और प्रूलर आ जाए वी दे यू तो लगेगा बर, बस इतना ध्यान रखना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, इतना ध्यान रखो, बस। अब सारे टेंस बन जाएंगे, देखो रमेश खेल रहा था, तो देखो रमेश किसमें है, रमेश नाम है ना, तो नाम कहां पे आ जाएगा, ही सी इट आई या किसी का ये नाम, नाम रमेश होता है, तो देखो नाम के साथ क्या, पहले इसका नाम लिख दो रमेश, लिख दिया। अब हमने क्या बोला था, इनके साथ ही सी इट या आई या किसी के नाम, इनके सबके साथ क्या लगाएंगे, बॉस, इनके सबके साथ बॉस लगाएंगे, तो हमने यहां पर लगा दिया बॉस, ठीक। अब वो क्या कर रहा है, रमेश खेल रहा था, तो खेलना की इंग्लिश क्या होता है, प्ले, प्ले लगा दो, ठीक, प्ले लगा दिया। अब इसके बाद हमने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो इसमें क्या करोगे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आई एन जी लगा दो, प्ले बन गया। अब देखो तुम, तुम की इंग्लिश क्या होती है, देखो यू, तो देखो यू, अब यू के साथ क्या होगा, हमने बोला बी दे यू के साथ लगेगा वर्ब, ठीक, तो इनके साथ क्या करोगे, यू वर, और वे क्या कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट, कूद रहे हैं, तुम कूद रहे थे, कूदने की इंग्लिश क्या होती है, जंप, जे यू एम पी, ठीक, जंप लगा दिया। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगेगी, क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो इसमें आई एन जी लगा, बन गया, कोई दिक्कत। देखो और मैं एक दो टेंस लेता हूं, एक दो टेंस और ले लो, सीता कपड़े धो रही
अब देखो सीता, सीता नाम है ना, देखो नाम है तो सीता लगाओ, सीता। अब सीता इसमें आ रही है ना तो बॉस लगाओ, ये नाम उसमें आ रहा बॉस, बॉस लगा दिया। अब धोने की इंग्लिश लगेगी क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई है वर्ब धो, क्या कर रही है सीता, कपड़े धो रही है ना, सीता कपड़े धोना की होती है वॉश, ठीक। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, वॉशिंग द क्लॉथ, क्या धो रही है कपड़े, क्लॉथ्स, बन गया सीता वॉश वॉशिंग द क्लॉथ्स, बन गया। देखो और बना रहा हूं एक दो, डाउट जब तक रहे तब तक बोलते रहो। देखो पवन बाजार जा रहा था, अब देखो इसे बनाएंगे, पवन बाजार जा रहा था तो क्या करोगे, पवन किसमें है नाम, ठीक तो पवन लिख दो, पवन, पवन इंग्लिश लिख दी। अब इसके बाद क्या करोगे, पवन किसमें आ रहा है सिंगुलर में, तो क्या करोगे बॉस लगा दो, यहाँ पे बॉस लगा दो, बॉस के बाद क्या कर रहा है, पवन बाजार जा रहा है, क्या जाना की गो लगाओ, और गोइंग में आईएनजी लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ना आईएनजी लगती है इस वाले टेंस में, ठीक तो गोइंग हो जाएगा, पवन बॉस गोइंग कहां जा रहा है, गोइंग टू मार्केट, मार्केट। अब देखो इसमें कई जगह टू लगा देते हैं हम, जाने आने की बात होती है तो टू क्यों लगा देते हैं ये वाला, देखो टू ये इसलिए लगाते हैं जब कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, कुछ डिस्टेंस कुछ दूरी कवर करता है ना चल के, तो हम टू का प्रयोग करते हैं, किसका टू का, ठीक ध्यान रखना। और ये टेंस ले लेते हैं, हम कपड़े, कपड़े से हो गया, हम लिख रहे थे, हम लिख रहे थे, देखो हम की इंग्लिश क्या है बी, हम की क्या है बी, तो यहां पे लिख दो बी, और बी के साथ क्या लगेगा वर, तो यहां पे लगा दो वर, पर लगा दिया हमने बी के साथ वर लगा दिया। अब लिख रहे थे, लिखना की इंग्लिश क्या होती है राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई। अब क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा राइटिंग, बस बन गया, वी वर राइटिंग, हम लिख रहे थे, बहुत आसान है क्या, बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या कॉन्सेप्ट, अगर ही सी इट आई या किसी का नाम आ जाए तो बॉस, अगर बी दे यू आ जाए तो वर्ब, बस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, बहुत आसान है, और कुछ करना ही नहीं है। पहचान कोई पूछ ले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, तो बोल दो रहा था रही थी रहे थे, बस ये तीन वर्ड बोल दो, ये वाले ये पहचान है, बस सिंपल सा हो गया, ज्यादा से थोड़ा टाइम लगता है बस, पर नोट्स करते रहना, नोट्स बनाते रहना और लिखते रहना, ठीक। अब अगला कराते हैं।